तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी लड़के को पसंद करते हो बट वो आपको हमेशा भाई बोलती है, तो उस लड़की को आप कैसे पटा सकते हो और उसका भाई भाई बोलना बंद कैसे करवा सकते हो। तो दोस्तों, जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो लड़की आपको भाई बोलती है और वो लड़की आपसे 1.5 या 2 साल छोटी है तो ही ये ट्रिक उस पर काम करेगा, वरना अगर वो 3 या 4 साल छोटी है तब तो भाई मुश्किल है, क्योंकि भाई ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो भाई, अगर लड़की आपसे 1.5 या 2 साल छोटी है तो उसे पटाने के लिए आपको कुछ सिंपल से ट्रिक यूज़ करने पड़ेंगे। भाई, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो लड़की आपको जानती है या आपके पड़ोस में रहती है और उसे अक्सर जब भी आपसे काम होता है या आपसे कुछ बात करनी होती है तो आपसे कहती है कि भाई सुनना जरा, या भाई सुनो ना। अगर वो आपसे ऐसा कहती है तो यार, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो आपको भाई ना बोलना चाहती हो, बट वो आसपास के लोगों या अपने फैमिली के डर से वो आपको भाई बोलती हो, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो आपको डायरेक्टली नाम लेकर के पुकारेगी तो हो सके तो कोई भी कुछ भी बुरा सोच ले। तो इसलिए हो सकता है वो आपको ना चाहकर भी भाई बोलती हो, क्योंकि भाई लड़कियाँ इन सब मामलों में तेज होती है, ज़्यादा ही सिंसियर होती है। तो ऐसे में आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको उससे पहले दोस्ती यारी बनानी पड़ेगी धीरे धीरे। जैसे कि अगर वो आपको कहीं भी मिले तो उससे बात करो, कहीं पर भी देखो तो उससे बात करो, उसे टोको। अगर कभी आप अपने घर पर खड़े हुए अपने छत पर हो, या आप कहीं पर दुकान जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, और अगर वो आपको दिखाई दे जाए, आपका उनसे आई कॉन्टेक्ट हो, तब आप उसे देख करके एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल कर दीजिए। और अगर वो आपके आसपास में खड़ी हो तो आप उससे बात कर लो। बट आप एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि ऐसी लड़कियों से आप कभी भी आप करके मत बात करना, क्योंकि भाई अगर आप उसे तमीज़ दिखाओगे तो बदले में वो भी आपको तमीज़ दिखाएगी और आपसे भैया भैया करके बात करेगी। ऐसी लड़कियों से हमेशा ही तुम करके बात करो कि तुम कैसी हो, ये वो वगैरह वगैरह। तो भाई, अगर आपके कोई बहन या कज़न है तो भाई आपका काम होना तब तो और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि उनके ज़रिए आप उससे बातचीत बढ़ा सकते हो। और जब वो आपके घर में आए तब आप उससे बात करो, साथ में बैठकर थोड़ा बहुत गपशप मार लो, और फिर आप देखना वो धीरे धीरे खुद ही भाई बोलना कम कर देगी। तो भाई, आपको तब करना ये है कि जब आपकी दोस्ती उससे अच्छी खासी हो जाए और कभी कभी वो आपके घर में आए जब आपके घर पर कोई ना हो, या फिर अगर वो आपको कभी भी अकेले दिख जाए या मिले और उस टाइम पर वो आपको बोले कि भाई मुझे ना आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, तो भाई तब आपको हंसते हुए कहना है कि यार बुरा मत मानना, मुझे ना एक बात बोलनी थी, तुम ना मुझे भाई भाई करके मत बोला करो, मुझे ना अंकलों वाली फीलिंग आती है, ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एज का हूँ, कि पता नहीं मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, मुझे ऐसा लगता है। और यार, तुम तो मेरी ही एज की हो, तो इसलिए तुम मुझे भाई भाई कहकर मत बोला करो। तो भाई, आपके ऐसा बोलने पर तब वो खुद ही आपको हंसते हुए बोलेगी कि यार सॉरी यार, और फिर तब आपको तुरंत ही टॉपिक को चेंज कर देना है कि क्या काम था, क्या पूछ रही थी तुम, ये वो, और फिर आप उससे बात करने लग जाओ कि एग्ज़ाम कब से तुम्हारे और क्या चल रहे हैं, और कुछ भी कहकर आप उस टॉपिक को क्लोज कर दो और आप अपनी बातों को शुरू कर दो। फिर उसके बाद में भाई आपको करना ये है कि आप उससे जितना हो सके बात करना और बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करना, ताकि आप दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हो जाओ, एक दूसरे को पसंद करने लगो, उसकी केयर करो, उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, जितना हो सके उसको जानने की कोशिश करो, खुद के बारे में उसे बताने की कोशिश करो, ताकि उसे भी पता चल जाए कि आप उसे लाइक करते हो, उसे पसंद करने लगे हो। और फिर जब आपको भी लगने लगे कि वो भी आपको पसंद करने लगी है, तो तब आप उसे किसी स्पेशल सी जगह पर ले जाकर उसे अपने दिल की बात बोल देना, एक अच्छा सा मौका देकर उसे प्रपोज कर देना, तब आप देखना कि वो आपसे सेट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था भाई बोलने वाली लड़की को पटाने का तरीका। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।